एसपी लिपि सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया अंतर जिला गैंग के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। सहरसा जिले में लूट एवं छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर जिला गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से लूट के 4 लाख रुपए एवं मादक पदार्थ तथा चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये अपराधी सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया एवं सीमांचल के जिलों में लूट एवं छिनतई की घटना को अंजाम दिया करते थे। क्या है कि कितने इसका ये उद्देश्य? सहरसा जिला में लूट और छिनतई की जो घटनाओं को अंजाम दे रहे थे उसके कोड़ा गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पे मिला कि SBI जो यहाँ का मेन ब्रांच है वहाँ पे 2 संदिग्ध लोग रेकी करते हुए देखे गए। उसके बाद सदर SDPO और SHO टाउन के द्वारा उन लोगों को पकड़ा गया। उनके पास से 25,000 रुपये और साथ में गहराई से पूछताछ करने के बारे में पता चला कि ये लोग कोड़ा में जुराबगंज टोला के रहने वाले हैं, कोड़ा थाना अंतर्गत। उसके बाद भारी मात्रा में SDPO सदर के नेतृत्व में करीब 7 थाना अध्यक्ष और काफ़ी पुलिस बल को कोड़ा भेजा गया। वहाँ पर इनके जो 4 और साथी थे उनको गिरफ्तार किया गया। साथ में करीब 4.25 लाख रुपये वहाँ से बरामद हुआ। 9 मोबाइल चोरी का, 4 बाइक, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासबुक तथा 12 चाबियां जो ये लोग डिक्की वगैरह खोलने का काम करते थे, साथ में और भी सामान जिससे कि बाइक वगैरह पंक्चर करते हैं उसको बरामद किया गया। ये जिले के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। इससे सारे कांडों का जो भी अभी पूर्व में जो छिनतई की घटनाएं हुई हैं उसका उद्भेदन हुआ है। और ये मुख्यतः इनका जो सरगना था रॉकी यादव वो पकड़ा गया और उसने बताया है कि ये लूट की घटनाएं इसने सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया के आसपास ये लोग करते रहे हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मादक पदार्थ भी बरामदगी हुई है? जी, उनके पास से मादक पदार्थ की बरामदगी हुई, करीब 1.5 किलो गांजा। और क्या पूछताछ में क्या पता चला किस तरह से ये लोग क्राइम करते थे? इन लोग का मोडस ऑपरेंडी जैसा बताया इसने कि ये लोग कटिहार से, इन्होंने यहाँ पे एक हकपाड़ा करके जगह है वहाँ पर एक किराए का कमरा ले रखा था और रेकी करते थे पहले ये लोग, और घटना को जिस दिन करके इमीडिएटली ये लोग कटिहार कोड़ा वापस भाग जाते थे। और ये लोग का जो था कि एक जो टीम थी वो रेकी करती थी और 3 और जो बाइक सवार लोग थे वो फिर उसमें लग जाते थे। और अगर डिक्की में भी सपोजिंग लोगों ने पैसा रखा है तो जब वो लेने के लिए गया या कभी छोड़ा तो उसको ब्रेक करके निकालते थे। और साथ में ये इसको सुंभा जो बोलते हैं इससे ये लोग टायर पंक्चर करने का काम करते थे कि जैसे कि उस टाइम पे थोड़ा सा छेद हुआ आगे जा करके फिर वो बाइक पंक्चर हो जाती थी और ये लोग झपट्टा मार करके पैसा ले लेते थे। और हाई स्पीड बाइक्स ये लोग रखते हैं जिसकी बरामदगी हुई है, 4 चोरी की बाइक्स है। इसका इंजन और चेसिस नंबर जो है उसको भी टैम्पर किया हुआ है। आगे भी जारी रहेगा? मुझे लगता है कि जो घटना, ये जितनी भी लूट वगैरह हुई है इन लोग की गिरफ्तारी से इसको संभवतः ये घटनाएं अब नहीं होनी चाहिए। साथ में पब्लिक से भी अपील है कि सतर्कता के साथ बैंक वगैरह जाएं और बैग और झोला जो उसको एक तरीके का यही इन लोग का इसी तरीके से लोगों को टारगेट करते हैं, तो सतर्कता बरतें। और अगर संदिग्ध तरह के लोग या कहीं देखे जाते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचना दें जिससे कि हम लोग त्वरित कार्रवाई कर सकें।